हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था डेफिनाइट इंटीग्रल। उसमें हम लोग सॉल्व किए थे मॉडुलस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रल निकाले थे। अब चलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फंक्शनल पार्ट का हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल निकालेंगे। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं पहले से ही बात कर चुका हूँ, जिसको हम लोग GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थोड़ा बहुत मैंने फिर बता देता हूँ, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन पे चलेंगे हम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता है कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बताओ मुझे कि 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनता है, ये 1 बनता है। अब 2.01 का क्या बनता है, कैसे हम लोग निकालते हैं सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर हम लोग को खोज करना है। तो अब बोलो 1.9 या 2.01, यहाँ पे बीच में ये रियल नंबर लाइन प्लॉट किया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर 3, इधर -1 -2। ओके, अब बताओ 1.9 किधर, कहाँ पे है, ये 2 के आसपास ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 1.9 बन गया। तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब यहाँ तक पहुंचने में सबसे बड़ा इंटीजर किया है। तो हम लोग का रियल नंबर सिस्टम में क्या होता है, लेफ्ट से राइट हम लोग चलते हैं। तो अब बताओ -2 भी तो एक इंटीजर है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे भी बड़ा नंबर प्रेजेंट है -1, इससे भी बड़ा नंबर प्रेजेंट है 0, इससे भी बड़ा नंबर प्रेजेंट है 1, इससे बड़ा नंबर प्रेजेंट है 2। लेकिन 2 है क्या, 1.9 पहुंचते तक 2 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो सबसे बड़ा इंटीजर कब बन, क्या बन जाएगा, ये 1 ही बनेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बन गया। अब बताओ 2.01 मतलब 2 से थोड़ा बड़ा ये वाला। ओके, तो ये तो 2 तक पहुंच गया है, तो उसका सबसे बड़ा इंटीजर क्या बनेगा, 2। ओके, अब बोलो मुझे -3.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा और -1.9 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, बोलो। पहले देखते हैं -1.9 कहां लाया करेगा, यहां पे देखो। ओके, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या, लेफ्ट से राइट हम लोग चलते हैं ना, लेफ्ट से छोटा होकर धीरे धीरे बड़ा होते ही चलता है। तो माइनस, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, -2 बनेगा, -1 तक तो नहीं पहुंचा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2। अब बताओ -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, -4। मीन हम लोग का जो भी आउटपुट होता है ये नंबर से ये छोटा रहता है, ये नंबर से ये छोटा रहता है। नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा स्टूडेंट लोग गलत कर देते हैं, ये इससे छोटा होना चाहिए, -4 -3.5 से छोटा है। ओके, और हमेशा आउटपुट में इंटीजर ही निकलेगा। ओके, तो अब चलते हैं इसका, देखो मतलब जो भी मैंने बोला उसको लिख रहा हूं। देखो, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या निकले, हमेशा आउटपुट देगा 0, 0 से 1 के बीच हमेशा 0 ही देगा ना। अब बोलो 1 से 2 के बीच में है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आउटपुट क्या बनेगा, 1, 2 से 3, 2 से 3 के बीच में रहेगा तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x क्या देगा हम लोग को, 2। अब बोलो -1 से 0 देने से इसका वैल्यू हमेशा -1। अब बोलो -2 से -1 के बीच ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या रहेगा, -2। ओके, तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसा रहेगा, देखो ग्राफ भी मैंने पहले से फंक्शन में बताया हूं आपको। देखो यहाँ पे 0, ये 1 2 3, -1 -2, 1 2 -1 -2। अब बताओ देखो 0 से 1 क्या आउटपुट दे रहा है, 0, ये हम लोग का x एक्सिस, ये हम लोग का y एक्सिस। 0 से 1 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, 0, मींस 0 दे रहा है। देखो 0 को इंक्लूड और 1 को एक्सक्लूड, मींस 1 को छोड़ के इसको राउंड कर रहा हूं। ओके, अब 1 से 2 क्या दे रहा है वैल्यू, 1 दे रहा है, 1 से 2 हम लोग का वैल्यू 1 दे रहा है, 1 को इंक्लूड और 2 को छोड़ के, तो ये वाला।
बताओ टू से थ्री क्या दे रहा है हम लोग को, टू दे रहा है, टू से थ्री हम लोग को टू दे रहा है, मीन्स टू को इंक्लूड थ्री को छोड़ दी। ओके अब बताओ माइनस वन से जीरो, माइनस वन देता है माइनस वन से जीरो, माइनस वन देता है माइनस वन को इंक्लूड, जीरो को छोड़ दी। अब बताओ माइनस टू से माइनस वन क्या देगा हम लोग को, माइनस टू, तो माइनस वन को छोड़ के माइनस टू को इंक्लूड। ओके ये वाला, तो ये देखो ये हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि उसका फिगर स्टेप जैसा दिखता है। ओके तो ये रहा हम लोग का हिस्ट्री ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसको लेके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें हम लोग को मिला क्या कि कोई भी इंटीजर चेंज होगा, मींस जीरो से वन उसका वैल्यू जीरो हो रहा है, वन से टू वन बन रहा है, टू से थ्री, मीन्स एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर में जाएगा तो उसका वैल्यू चेंज होता ही रहता है। ओके तो इसी लॉजिक को लेके हम लोग इसका डेफिनेट इंटीग्रल बनाएंगे। ओके तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जीरो से थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके जीरो से थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैंने अभी बोला था जीरो से वन दूसरा वैल्यू देता है, वन से टू दूसरा वैल्यू देता है, टू से थ्री भी अलग वैल्यू देगा, तो हमको इसको कितना पार्ट करना पड़ेगा, तीन पार्ट, क्योंकि तीन पार्ट में तीनों में अलग अलग वैल्यू हम लोग को देगा। तो इसको क्या क्या कितना पार्ट करेंगे, जीरो से वन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन से टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू से थ्री ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब बताओ ये लिमिट किसका है, एक्स का है ना, तो जीरो से वन में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स अगर जीरो से वन पे है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये बन गया क्या जीरो। ओके अब बताओ मुझे वन से टू में एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, वन बनेगा वन से टू। ओके अब बताओ टू से थ्री, एक्स अगर टू से थ्री जा रहा है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या बनेगा उसका, टू, टू से थ्री। ओके तो अब बताओ मुझे जीरो का इंटीग्रेशन क्या बनता है, जीरो का इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव जीरो है, कांस्टेंट का, जीरो का इंटीग्रेशन क्या बनेगा कांस्टेंट। अब वन का इंटीग्रेशन एक्स, अब टू का इंटीग्रेशन टू एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग यूज करते हैं। अगर कांस्टेंट फंक्शन में वन इनपुट करूंगा जो वैल्यू देगा, जीरो भी इनपुट करूंगा वही वैल्यू देगा, तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होने से क्या बनेगा जीरो। तो आप लोग याद रखना रख देना कि जीरो का इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल भी क्या बनेगा, जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा जीरो ही बनेगा क्योंकि उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो ही बनेगा। ओके नेक्स्ट ये क्या बन गया टू माइनस वन, ओके प्लस ये क्या बन गया सिक्स माइनस फोर, तो ये क्या बन गया वन प्लस टू, वन प्लस टू क्या बन गया आ गया थ्री। ओके अब बताओ मुझे अगर मेरे पास क्वेश्चन रहता जीरो से फाइव ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये कितने पार्ट बनेगा, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, पांच पार्ट बनेगा, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, पांचों पार्ट को हम लोग एड करेंगे। ओके तो इसका निकालेंगे तो देखो जीरो से वन का इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा जीरो, वन से टू में वन, टू से थ्री में टू, थ्री से फोर में थ्री, फोर से फाइव में फोर, तो ये सब का इंटीग्रेशन ना। ओके ये जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री,
थ्री से फोर, फोर से फाइव। अब बताओ जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनता है? जीरो मैंने पहले से बोला हूं। अब वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा? टू माइनस वन। अब बताओ ये टू का इंटीग्रेशन टू एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा? सिक्स माइनस फोर। अब बताओ थ्री का इंटीग्रेशन थ्री एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा? ट्वेल्व माइनस नाइन। अब इसका फोर एक्स तो क्या बनेगा? ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन। तो क्या बन के आ गया? देखो जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो फाइनली क्या बना? फोर तीन सेवन, टू नाइन एट, टेन। ओके तो अब बताओ मुझे इसका हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो जीरो से फाइव लेके चला तो हम लोग का आउटपुट में क्या? जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। जीरो से थ्री लेके चला तो जीरो प्लस वन प्लस टू, आगे नहीं, तो जीरो प्लस वन प्लस टू क्या बन गया? आ गया थ्री। तो मुझे बताओ जीरो से एन लेके, अगर एन तक लेके हम लोग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या हम लोग का आउटपुट में क्या रहेगा? जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू लास्ट टर्म क्या बनेगा? एन माइनस वन बनेगा कि नहीं? तो अब बताओ इसको अगर सॉम करूंगा तो क्या बनेगा हम लोग का आउटपुट में? वन से लेकर एन तक तो ऐड करने में क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो हम लोग जीरो से लेकर कहां तक तो ऐड कर रहे हैं? एन माइनस वन, तो एन के जगह एन माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा? एन माइनस वन इंटू एन बाय टू। तो ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला तरह फॉर्मूला जैसा बन गया, जीरो से एन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स क्या बन के आ रहा है? एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन में रहा होगा जीरो से टेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, तो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? टेन इंटू नाइन बाय टू, मतलब 45। ओके समझ में आ रहा है? हम लोग ये फॉर्मूला में डायरेक्ट बना सकते हैं। ओके तो ग्रेटर इंटीजर एक इंटीजर के बाद एक इंटीजर चेंज होने से इसका वैल्यू चेंज होता है, इसीलिए उतना ही पार्ट हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद उसको उसका वैल्यू लिख के उसके बाद उसको इंटीग्रेशन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो से थ्री बाई टू, टू एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ओके हमने पहले क्या कर रहा था? एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब फंक्शन क्या हम लोग का? टू एक्स, तो टू एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। अब मैंने क्या बोला था? जो भी अगर फंक्शन एक्स फॉर्मेट में है तो लिमिट किसका रहता है? एक्स का लिमिट रहता है। अब बताओ एक्स कहां से कहां तक है? जीरो से थ्री बाई टू, जीरो से थ्री बाई टू। अब बोलो एक्स अगर जीरो से थ्री बाई टू है तो हम लोग का फंक्शन क्या है? टू एक्स ना, तो टू एक्स कहां से कहां तक रहेगा? मल्टीप्लाई टू करो तो जीरो से थ्री, तो हम लोग किसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालना है? टू एक्स का। तो इंटरवल कैसा रहेगा? टू एक्स का ही इंटरवल हम लोग सेट करेंगे। तो जीरो से थ्री में इंटीजर कितना है? वन एक टू, तो हम लोग का तीन पार्ट बन गया। कैसा बनेगा? जीरो से वन एक, वन से टू और टू से थ्री। ये किसका इंटरवल हो गया? टू एक्स का। ओके तो हम लोग इंटरवल किसका सेट करते हैं, मीन्स लिमिट किसका सेट करते हैं हम लोग? एक्स का। तो अगर एक्स का हम लोग लिमिट उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टू एक्स एक्स कैसा बनता है? बाय टू। तो ये लिमिट में हम लोग बाय टू कर लेते हैं। जीरो बाय टू जीरो, वन बाय टू, अब वन बाय टू से टू बाय टू क्या बन गया? वन, अब वन से थ्री बाय टू। तो ये लिमिट हम लोग को सेट करना पड़ेगा इसको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए। ओके तो हम लोग पहले क्या किया? देखो एक्स का लिमिट लिख दिए। अब किसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालना है? टू एक्स का। तो टू एक्स का ऐसा बनेगा, तो टू एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालने, तो टू एक्स के हिसाब से हम लोग का लिमिट्स पहले सेट कर दिए। उसके बाद हमको पता है कि हम लोग लिमिट किसका लिखते हैं? एक्स का। तो ऐसे ओके तो इसको देख के मैं इंटरवल सेटअप करूंगा, मीन्स लिमिट सेट करूंगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो कैसे करूंगा? देखो इसको पहला क्या बन गया? जीरो से वन बाय टू, टू एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डी एक्स प्लस वन बाय टू से वन, टू एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डी एक्स प्लस, अब वन से थ्री बाय टू। ओके अब बताओ मुझे
अगर x 0 से 1 बाय 2 जा रहा है, x अगर 0 से 1 बाय 2 जा रहा है, तो 2x कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1, x 0 से 1 बाय 2 से 2x क्या बनता है? 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटर, 2x का ग्रेटर इंडियन फंक्शन हम लोग को निकालना है ना, तो 0 से 1 का ग्रेटर इंडियन फंक्शन क्या बनेगा? 0, तो ये 0 बन गया 0 से 1 बाय 2। अब बोलो x अगर 1 बाय 2 से 1 जा रहा है, तो 2x 1 से 2 चलेगा, 1 से 2 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1। ओके, अब बताओ मुझे 2x अगर 1 से 3 बाय 2, तो सॉरी x अगर 1 से 3 बाय 2, तो 2x 2 से 3, 2 से 3 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2। ओके, अब 0 का डेफिनेट इंटीजर मैंने बोल दिया हूं पहले से 0, अब 1 का ग्रेट इंटीग्रेशन x 1 बाय 2 से 1, अब 2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2x 1 से 3 बाय 2, अब बोलो आंसर क्या बन गया? 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 माइनस 2, तो ये बन गया हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 हम लोग का क्या हो गया? 3 बाय 2। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ 3x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 1, तो हम लोग का लिमिट कहां से कहां तक है? x का लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। अब किसका हम लोग डेफिनेट मींस किसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है हम लोग का? 3x का, तो 3x कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 3 तक। ओके, अब 3x का इंटरवल कैसा बनेगा, मींस 3x का लिमिट कैसे सेट करेंगे हम लोग? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब हम लोग लिमिट किसका लिखते हैं? x का, तो x का कैसा सेट बन जाएगा? 0 से बाय 3 बाय 3 करेंगे, तो 0 से 1 बाय 3, 1 बाय 3 से 2 बाय 3, अब 2 बाय 3 से 3 बाय 3, मतलब 1। ओके, तो इसको सेट कर देता हूं, देखो इसके हिसाब से। ओके, पहले हम लोग को राइट हैंड साइड में ये बना देना है, अगर इसको अच्छे से बना दिया मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा, तो ये हम लोग का हो गया 0 से 1, 1 बाय 3, 3x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस 1 बाय 3 से 2 बाय 3, 3x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस 2 बाय 3 से 1, 3x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब बताओ x अगर 0 से 1 बाय 3, तो 3x 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0, 0 से 1 बाय 3, तो ये x अगर 1 बाय 3 से 2 बाय 3, तो 3x क्या बनेगा? 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1, 1 बाय 3 से 2 बाय 3 प्लस, अब x 2 बाय 3 से 1, तो 3x क्या बनेगा? 2 से 3 मतलब 2, 2 बाय 3 से 1। अब इसका डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग को डायरेक्ट पता है 0, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा? 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 3। अब बोलो इसका क्या बनेगा? 2 का डेफिनेट, 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो 2x का डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा? 2 माइनस 2 इंटू 2 बाय 3 मतलब 4 बाय 3, तो फाइनल आंसर क्या बन गया? देखो 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 3, तो ये 1 बाय 3 बन गया, ये 2 बाय 3 बन गया, तो 3 बाय 3 मतलब फाइनल आंसर क्या बन गया रहा है? ओके, समझ रही हो? तो थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं उसके। अब चलता हूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो x स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 2। ओके, तो इसको पहले लिमिट कैसे सेट करेंगे उसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो x कहां से कहां है भाई? 0 से 2, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 4, तो x स्क्वायर के हिसाब से ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में लिमिट कैसे हम लोग सेट करेंगे? 0 से 4 तो इंटीजर है ना, 0 1 2 3 4, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से, इतना ही तो बनेगा। हम लोग किसका हम लोग इंटरवल सेट करते हैं हम लोग हमेशा x का,
तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैसे बनता है, रूट ओवर करके, तो हम लोग का लिमिट में भी क्या बन जाएगा, रूट ओवर। तो ये क्या बन गया, रूट जीरो का जीरो, रूट वन का वैल्यू वन, अब वन, ये रूट टू, अब रूट टू, रूट थ्री, यहां से रूट थ्री टू। तो ये लिमिट हम लोग सेट करेंगे, समझ में आ रहा है। अब उसको बनाता हूं, देखो जीरो से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन से रूट टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट टू से रूट थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस रूट थ्री से टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अब बताओ x का लिमिट क्या है, जीरो से वन, तो एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, जीरो से वन, तो जीरो से वन का हम लोग का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जीरो। सेकेंड वाला ध्यान से देखो, x का लिमिट वन से रूट टू, तो एक्स स्क्वायर का वन से टू, हम लोग को एक्स स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो वन से टू का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वन। अब नेक्स्ट देखो, एक्स कहां से कहां, रूट टू से रूट थ्री, तो एक्स स्क्वायर टू से टू थ्री, तो टू से थ्री का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन टू। अब बोलो एक्स स्क्वायर रूट थ्री, सॉरी एक्स रूट थ्री से टू, तो एक्स स्क्वायर थ्री से फोर, थ्री से फोर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन थ्री। ओके, तो अब मैंने बोला था जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो प्लस, अब ये तो वन का इंटीग्रेशन एक्स वन से रूट टू प्लस टू का टू एक्स रूट टू से रूट थ्री, अब थ्री का थ्री एक्स रूट थ्री से टू। अब बोलो ये तो जीरो, ये क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मीन्स टू रूट थ्री माइनस टू रूट टू प्लस सिक्स माइनस थ्री रूट थ्री। अब ये क्या बन के आएगा, देखो फाइनली यहां पे सिक्स है, यहां पे माइनस वन, तो सिक्स माइनस वन फाइव, यहां पे माइनस टू रूट टू, यहां पे प्लस रूट टू, तो माइनस रूट टू, यहां पे माइनस थ्री रूट थ्री, यहां पे टू रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री। हम लोग का आंसर क्या बन के आ गया, फाइव माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। अब बताओ मुझे, मेरे पास क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जीरो से लेकर 1.7। ओके, तो लिमिट कैसे सेट करते हैं वो पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। अब देखो एक्स कहां से कहां चल रहा है, जीरो से 1.7, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां चलेगा, जीरो से 2.89। तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से लिमिट कैसे सेट करेंगे हम लोग, जीरो से वन, वन से टू, टू से 2.89। ओके, तो एक्स का लिमिट कैसा बनेगा, जीरो से वन, वन से रूट टू, अब रूट टू से 1.7, इसका स्क्वायर तो 2.89 है ना। ओके, तो हम लोग तीन ठो पार्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग करते हैं। देखो तो देखो पहला पार्ट हम लोग का क्या है, जीरो से वन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस, सेकेंड पार्ट हम लोग का वन से रूट टू एक्स स्क्वायर डीएक्स, तीसरा पार्ट रूट टू से 1.7। ओके, तो एक्स स्क्वायर, अब x जीरो से वन चला जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर जीरो से वन, तो जीरो से वन का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जीरो। अब बताओ x वन से रूट टू चलने से एक्स स्क्वायर वन से टू, तो वन से टू का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वन, ये जीरो से वन, ये वन से रूट टू। अब देखो x रूट टू से 1.7 मतलब एक्स स्क्वायर टू से 2.89, टू से 2.89 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन टू। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल जीरो। अब एक्स, एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे वन से रूट टू, अब टू का इंटीग्रेशन टू एक्स, तो
तो रूट टू से 1.7। अब ये तो जीरो बन गया, अब इसका रूट टू माइनस वन प्लस टू इंटू 1.7 क्या बनेगा 3.4 माइनस टू रूट टू। तो फाइनल आंसर 3.4 से 1 चला गया तो 2.4। अब माइनस टू रूट टू प्लस रूट टू तो माइनस रूट टू, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, अब मुझे बताओ अगर थोड़ा चेंजेस होगा क्वेश्चन पे, एक्स स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 1.8, ओके एक्स स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 1.8, तो अब बताओ मुझे एक्स कहां से कहां जा रहा है 0 से 1.8, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां चलेगा 0 से 3.24, क्योंकि 18 का स्क्वायर तो 324 है ना। अब बोलो एक्स स्क्वायर के हिसाब से लिमिट क्या बनेगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 3.24, तो एक्स का लिमिट क्या बनेगा 0 से 1, 1 से रूट टू, रूट टू से रूट थ्री और रूट थ्री से 1.8। अब देखो ये हम लोग का 1.8 है और ये हम लोग का 1.7 है। देखो 1.7 में लेके चला तो हम लोग का तीन ही पार्ट निकल के आ रहा है, 1.8 लेके चला हम लोग का चार पार्ट निकल रहा है। क्यों? क्योंकि 1.7 का स्क्वायर 2.8 नहीं मतलब बिलो 3 है, लेकिन 1.8 का स्क्वायर 3.24 मतलब 3 से ज्यादा है, तो उसका रूट ओवर तो रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट 3 का वैल्यू 1.73 होता है, तो 1.7 से बड़ा और 1.8 से छोटा, तो 1.8 लेने से रूट 3 से आगे चला जाएगा। ओके, तो इसका एक पार्ट ज्यादा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग भी ऐसे चार पार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 1, 1 से रूट टू, रूट टू से रूट थ्री, रूट थ्री से 1.8। तो इसको सॉल्व कर देंगे, बोलो इसका आंसर क्या बनेगा, 1.8 है ना, तो इसका ये 3x, ये 3x बनेगा मतलब 18 इंटू 3 5.4, 5.4 से 1 चलेगा तो ये बनेगा, इसका आंसर लिख दो आप 4.4 माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री, तो इसको आप लोग सॉल्व कर देना, इसका आंसर इतना ही बनेगा। ओके, तो अब बताओ मुझे कि क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमाया, अगर रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 4, ओके रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 से 4, तो हम लोग एक्स का लिमिट कैसे सेट करेंगे बोलो, एक्स का लिमिट क्या बनेगा, एक्स कहां से कहां जा रहा है 0 से, तो रूट एक्स कहां से कहां तक चलेगा 0 से 2, तो रूट एक्स के हिसाब से इंटरवल क्या होना चाहिए 0 से 1, 1 से 2। अब एक्स के हिसाब से क्या आंसर हो, रूट एक्स से एक्स हम लोग कैसे करेंगे स्क्वायर करके, तो इसको भी स्क्वायर कर लेते लिमिट को, 0 से 1, 1 से 4, तो ये फॉर्मेट में हम लोग का दो ही पार्ट बनेगा ये क्वेश्चन। तो दो पार्ट कैसे बनेगा देखो, उसका आंसर भी निकाल के आ रहा। अब पहला पार्ट क्या बनेगा 0 से 1, तो 0 से 1 रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डीएक्स प्लस 1 से 4 रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डीएक्स। ओके, अब बोलो एक्स का लिमिट 0 से 1 है, तो एक्स अगर 0 से 1 चला जा रहा है तो रूट एक्स भी 0 से 1 तक जाएगा, 0 से 1 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0। ओके, अब बोलो एक्स 1 2 चलेगा तो 1 से 2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1, ये 0 से 1, ये 1 से। अब बोलो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 4, तो ये बन गया 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, तो इसका आंसर 3 आ गया, समझ में आ रहा है। हम लोग को पहले ये टेबल बनाना आना चाहिए, अगर ये टेबल हम लोग सही सही बना दिए, ये टेबल हम लोग सही सही बना दिए, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ओके, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आप लोग को समझ में आ गया, अब चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है देखो, हम लोग कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
मतलब मान लो मेरे पास एक नंबर है 2.4, तो इसको 2.4 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है 2, तो क्या बचा 0.4। मींस एक परफेक्ट इंटीजर के बाद जो नंबर बचता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ओके, तो 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा, मींस 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हम लोग का 0.4। अब बताओ मुझे 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसको 1 + 0.9 लिख सकते हैं, मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा 0.9। अब बताओ मुझे -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा। ओके, -2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है -3, तो -3 के साथ कितना ऐड करने से बनेगा 0.7, तो -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा 0.7 बनेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे देखो, आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप माइनस को हटा दो, 2.3 बचा, तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.3। अब जो भी नंबर आया उसको 1 से घटा देना, मीन्स 1 - 0.3 तो 0.7। ओके, नेगेटिव नंबर का जो भी निकले पहले नेगेटिव को हटाना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, उसके बाद 1 से सब्ट्रैक्ट करना, जो निकलेगा वही हम लोग का आंसर है। ओके, तो ये हम लोग का 0.7 बन गया। तो अब बताओ मुझे कि कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 होगा क्या, और 1 से बड़ा होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अगर परफेक्ट इंटीजर होगा 5, 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा 0 बनेगा, कभी 1 नहीं बन सकता, 0.99 तक पहुंच पाएगा 9999 करके, लेकिन 1 कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे दिखेगा देखो। तो अब थोड़ा बहुत मैं करता हूं, देखो अगर x का वैल्यू 0 से 1 तक रहा, x का वैल्यू 0 से 1 तक रहा, ओके, अगर x का वैल्यू 0 से 1 तक रहा, तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं y ले रहा हूं, तो y की का वैल्यू क्या बनेगा, जो वैल्यू एक्स होगा वही तो होगा, मींस वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ से हम मुझे 0 से 1 जो भी नंबर वही फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब एक्स का वैल्यू 1 से 2 तक रहेगा, 1 से 2 तक रहने से वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, मींस सॉरी वाई का वैल्यू क्या बनेगा x - 1। क्यों बताओ, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी x - ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, ये हम लोग का फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैंने बताया क्या, 1 से 2 का वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, मैं 1 से 2 का वैल्यू इनपुट कर रहा हूं। ओके, तो एक्स में अगर 1 से 2 का वैल्यू इनपुट करने से ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या बनेगा, मीन्स 1 से 2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 बनेगा, तो ये बन गया क्या x - 1। अब 2 से 3 का वैल्यू, बीच का वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, तो 2 से 3 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या बनता है 2, तो फाइनली वाई का वैल्यू क्या बन गया हम लोग का x - 2। अब 3 से 4 में क्या बनेगा वाई इज इक्वल टू x - 3। तो इसको ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे देखो। अब देखो 0 से 1 में y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा बनता है ना। अब 1 से 2 से y इज इक्वल टू x - 1, तो y इज इक्वल टू x - 1 वैसा ही बनेगा। लेकिन 1 कब होगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो 1 का वैल्यू 1 कभी नहीं आएगा। तो ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है पता चल गया, फ्रैक्शनल पार्ट कैसा वैल्यू देता है हम लोग को पता चल गया, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है पता चल गया, फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या है पता चल गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग बनाते हैं, मींस निकालते हैं। अब क्वेश्चन चलते हैं, जीरो से फाइव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका इंटीग्रेशन। अब मैंने मुझे क्या पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह ये हमने इनपुट कर दिया तो क्या बनेगा, जीरो से फाइव एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, तो ये देखो जीरो से फाइव दो पार्ट हम लोग कर सकते हैं, माइनस जीरो से फाइव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ डीएक्स। ओके, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय टू। अब इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या है जीरो से एन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स क्या बनता है, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो एन हम लोग का क्या है फाइव, तो फाइव इंटू फोर बाय टू डायरेक्ट में वैल्यू लिख रहे, नहीं तो इसको जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर से फाइव करके उसका निकालना पड़ेगा ना। तो ये वन बाय टू बाहर, अब बताओ ये क्या बन गया, ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो, तो ट्वेंटी फाइव माइनस टू, टू कैंसिल, तो फाइव इंटू टू टेन। अब बताओ ये बन गया ट्वेंटी फाइव बाई टू माइनस टेन, तो फाइनली ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी तो फाइव बाय टू। तो इसका आंसर क्या बन के आ गया, फाइव बाय टू। तो इसको और एक तरीके से मैं लिखना चाहता हूं, देखो कैसे। अब बताओ मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से फाइव में ग्राफ कैसा बनेगा, ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो हम लोग को इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल मतलब क्या, एरिया निकालना है। तो ये एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब ये एरिया हम लोग को निकालना है। ओके, तो ये क्या है, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ, ये x माइनस वन का ग्राफ, ये x माइनस टू, x माइनस थ्री, x माइनस, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कितना एंगल क्रिएट करके चला जाता है, ऐसा ग्राफ रहता है ना, तो 45 डिग्री, ये 45 मतलब ये 90 बनेगा, मींस इसका एरिया हम लोग क्या निकालेंगे, देखो ये अगर 1 है तो ये भी तो 1 बनेगा क्योंकि ये 45 डिग्री बन रहा है ना, तो ये अगर 1 तो ये भी 1, तो इसका एरिया क्या बनेगा, हाफ 1 इंटू 1, तो ये सभी का एरिया हाफ वन इंटू वन बनेगा। हम लोग को कितना एरिया निकालना है, एक दो तीन चार पांच, जीरो से फाइव मतलब पांच टू ट्रिंगल का एरिया निकालना है। ओके, तो फाइव इंटू हाफ इंटू वन हम लोग का आंसर बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो जीरो से फाइव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू एरिया ऑफ ट्रिंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या निकल के आएगा, देखो वन इंटू वन बाय टू, तो इसका वैल्यू क्या है, वन बाय टू, तो ये बन गया देखो फाइव इंटू वन बाय टू, मतलब फाइनली फाइव बाय टू। देखो ये आंसर सही है कि नहीं। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करने हैं, जीरो से फाइव है तो फाइव इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, देखो जीरो से एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, तो क्या लिख सकता हूं, एन बाई टू, क्या लिख सकता हूं, एन बाई टू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा वन बाई टू ही देगा ना। ओके, तो ये जीरो से एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन बाई टू बन गया। और एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, जीरो से एन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। मान लो कि आपका क्वेश्चन है जीरो से एन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बाय जीरो से एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डीएक्स, अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, ऊपर वाला का क्या मैंने बोला एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, नीचे का एन बाय टू, तो एन बाय टू, एन बाय टू कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या एन माइनस वन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया।
क्या है फाइनली n माइनस वन निकल के आ रहा है। अब मुझे बताओ अगर मेरा परफेक्ट नंबर है तो हम लोग डायरेक्ट n बाई टू फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन होता है जीरो से 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ओके, तो हम लोग का अगर परफेक्ट इंटीजर होता तो मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया n बाई टू, उसका आंसर बनेगा। अगर 11.7 है तो इसको हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे? देखो 11.2 मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके 11 में गया होगा, यहाँ पे 10, ओके, तो ये ऐसा ट्रायंगल्स बनेगा, ओके, यहाँ पे 12, तो हम लोग का कहां से कहां तक एरिया निकालना है? 0 से 11.7, तो 12 तक नहीं, कहां तक? यहां तक 11.7 तक। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया अप टू ये एरिया, लेकिन 12 तक नहीं, यहां तक ही, ओके। तो 11 तक तो कंप्लीट है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो पहले तो मैं लिख सकता हूं 11 तक कंप्लीट, तो 11 बाई टू प्लस 11 इंटू ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ना, तो ये 11.2, तो 11 बाई टू अब बन गया। देखो 11.7 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 0.7 होगा। ये 45 डिग्री है, मतलब यहां 0.7, मतलब यहां भी 0.7, तो ये ट्रेंगल का एरिया क्या बनेगा? हाफ 0.7 इंटू 0.7, मतलब 0.7 का स्क्वायर, तो ये क्या बन के आ गया? 0.7 का स्क्वायर बाई टू, तो ये जितने जितना बन के आएगा वही हम लोग का आंसर है, ओके। तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो फॉर्मूला के हिसाब से अगर 0 से t फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx इज इक्वल टू t का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का होल स्क्वायर बाय 2। देखो फॉर्मूला बन गया। अब मेरे पास अगर क्वेश्चन रहा होगा 0 से 8.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं 8.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8, मतलब 8 बाय 2 प्लस, अब 0.6 इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 8.6 का 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर बाय 2 जो निकलेगा वही आंसर है, ओके, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग का इंटीजर है तो हम लोग n बाई टू इनपुट कर सकते हैं, अगर इंटीजर नहीं है फ्रैक्शनल नंबर है तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला में बना सकते हैं, ओके।